आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के तहत पर्यायवाची को कवर करेंगे और यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। उन सभी एग्जाम के लिए जहाँ पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इस वीडियो को देख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका स्टडी मटेरियल पढ़ना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आपका कोई भी वनडे का एग्जाम हो जहाँ पे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप उनको देख सकते हैं। उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या फिर यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पर्यायवाची को, जिसको साइनोनिम्स बोलते हैं, यानी कि इसका एक अलग नाम भी है जिसको हम समानार्थी बोलते हैं। समानार्थी मतलब कि जो समान अर्थ दे। वैसे तो आप देखेंगे तो हिंदी ग्रामर में लगभग 1000 से अधिक ऐसे वर्ड हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको 100 से 200 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि चुनिंदा हैं और कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहते हैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना जैसे आप बुक में पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां जाकर आप इसे पढ़ पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरणों को। जैसे कि अग्नि। अग्नि एक ऐसा उदाहरण है हिंदी ग्रामर का जो कि कई बार पूछा गया है। अग्नि के जो पर्यायवाची होते हैं ये होता है आग, अनल, पावक, ये बहुत बार पूछा गया है, दहन, वही और कृषाणु। आग, अनल और पावक, दहन, वही और कृषाणु। इसके अलावा आगे देखें तो ये है अपमान। अपमान का है अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान या फिर तिरस्कार। देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ढेर सारे हिंदी में पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको 150 से 200 शब्दों को ही कवर करेंगे और ये सारे चुनिंदा होंगे। अगर आप इसको पूरा कवर करते हैं तो इससे बाहर पूछे जाने की संभावना ना के बराबर होगी। अलंकार। अलंकार का होता है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना या फिर जेवर। अहंकार। अहंकार मतलब कि दर्प, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान। अमृत का होता है सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, मधु और अमी, ये भी बहुत बार आपके परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। असुर का होता है दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर। निशाचर मतलब रात में चलने वाला, रजनीचर। उसी तरह निशा मतलब रात होता है, रजनी मतलब रात होता है, धनुज, रात्रिचर, तमचर। तम मतलब कि अंधेरा होता है। तो ये कई बार पूछा गया है। अतिथि का होता है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना। इसके अलावा जो अनुपम है, अनुपम का होता है अपूर्व, अतुल, अनोखा, अद्भुत, अनन्य। आगे बढ़े तो कुछ और भी शब्दों को देखेंगे। ये है अर्थ। अर्थ का होता है धन, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा। अश्व का होता है तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, बाजी और सैंधव। तो देखिए, यहाँ पे हम बस उन्हीं को कवर करेंगे जो कई बार आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है इच्छा का। तो इच्छा का भी कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। इच्छा का होता है अभिलाषा, अभिप्राय, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, अभीष्ट। इंद्र का होता है सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज, महेंद्र, मधवा, सचिपति, मेघवान, पुरोहित, यासव। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है इंद्राणी। इंद्राणी का होता है इंद्रवधु, मधवानी, सचि, सतावरी या फिर पुलोमी। आगे बढ़ते हैं तो ये है ईश्वर। ईश्वर का परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता, ये बहुत बार पूछा गया है। उपवन का बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। उक्ति का कथन, वचन, सुक्ति। इसके अलावा है उग्र। उग्र का होता है प्रचंड, उत्कंठ, तेज। महादेव को भी उग्र कहा जाता है, तीव्र और विकट। विकट माने वैसे तो बड़ा होता है, लेकिन उग्र का मतलब भी कहीं ना कहीं बड़ा के अगर सापेक्ष देखा जाए तो ये भी सही होगा। उचित का होगा ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्तिसंगत, न्याय संगत, तर्कसंगत, योग्य।
उत्खिल का होगा उदंड, अक्कड़, आवारा, अंडबंड, निरंकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी। उजंड का होगा अशिष्ट, असभ्य, गंवार, जंगली, देहाती, उदंड, निरंकुश। उजला का होगा उज्ज्वल, श्वेत, सफेद या फिर धवल। उजाड़ का होता है जंगल, बियावन, वन। उजाड़ वन का उजाड़ होता है, ये याद रखिएगा, एक दो बार ये पूछा गया है। उजाला का प्रकाश, रोशनी, चांदनी। उत्कर्ष का समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती या फिर उठान। तो यहाँ पे वैसे हम क्वेश्चनों को कलेक्ट किए हैं जो कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। एक, एक का होता है एकत्व, एका, एकता, मेल। ऐश्वर्य का समृद्धि, विभूति। ओज का तेज, शक्ति, बल, वीर्य। तो ये एक बार पूछा गया था, आप देखेंगे कि झारखंड के एग्जाम में, झारखंड जेई का एग्जाम था, तो उसमें ये पूछा गया था ओज या फिर तेज। ओष्ट का होता है ओठ, अदर, होठ। देखिए इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ये आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं तो वहाँ जाकर आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे। औरत का होता है स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली। ऋषि का मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ, तपस्वी। कच्छ का बाल, केस, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, सिरोरु। कमल का कई बार पूछा गया है, हमने आपको बताया कि जो भी जितना लंबा होगा समझिए कि वो उतना बार पूछा गया है। कमल का बहुत बार पूछा गया है, नलिन, अरविंद, उत्पल, राजीव, पद, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, सतदल, पुंडरिक, इंदिवर। कबूतर का होता है कपोत, रक्तलोचन, परावत, करलव, हारिल। कामदेव का होता है मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिपति, पुष्प, ध्वा, मनमत। किरण का ज्योति, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीच। कृष्ण का राधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन, केशव, गोविंद, गिरधारी। कोयल का कोकिला, पिक, काकपाली, वसंत दूत, ये बहुत बार पूछा गया है, सारिका, कुकुहिनी, बनप्रिया। क्रोध का होता है रोष, कोप, अमर्ष, कोह या फिर प्रतिघात। देखिए अगर आप देखेंगे कि इसको याद करने का कोई तरीका क्या है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। वैसे यहाँ पर आपको इस वीडियो में या फिर एप्लीकेशन के पोस्ट पे जितने मिलेंगे उसको अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर पूछे जाने के चांसेस ना के बराबर होंगे। ख का होता है पक्षी, द्विज, बिहग, नभचर, अंडज, शकुन, पखेरु। खंबा का स्तूप, स्तंभ, खम्भ। खून का रक्त, लहु, शोणित और रुधिर। गज का हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा और मदकल। गाय का होता है गो, धेनु, सुरभि, भद्रा और रोहड़ी, ये बहुत बार पूछा गया है। गंगा का बहुत बार पूछा गया है, देव नदी, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, सुरसरिता, देव नदी और जाह्नवी, त्रिपुटका, ये बहुत बार पूछा गया है। गृह का होता है घर, सदन, गेह, भवन, धाम, निकेतन, निवास, आलय, आवास, निलय और मंदिर। गुरु का होता है शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको इससे पहले वाले सारे पार्ट मिल जाएंगे। घर का होता है आलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वास स्थान, शाला और सदन। देखिए यहाँ पे एक ही का दो बार दिया गया है, ये गृह है और ये घर है, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पे आपको इससे कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। घृत का होता है घी, अमृत, नवनीत। तृण का पद, पग, पाव, पैर, पाद। चतुर का बिग, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रमेड और योग्य। आगे बढ़ते हैं तो यह है चंद्रमा। चंद्रमा का भी बहुत बार पूछा गया है, यह होता है चांद, हिमांशु, इंदु, विधु, तारापति, चंद, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि। चांदनी का होता है चंद्रका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारे,
चंद्रप्रभा या फिर जुन्हाई। छवि का होता है शोभा, सौंदर्य, क्रांति और प्रभा। जल का होता है अमृत, को जल भी बोला जाता है, पेय भी बोला जाता है, तो इसको सलिल, वारी, नीर, तोय, अंबु, उदक, पानी, जीवन, पय और पेय। जीभ का होता है रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा और जबान। जंगल का होता है विपिन, कानन, बन, रड, गहन, कांतर, बीहड़, बिपट। ज्योति का होता है आभा, छवि, अद्वितीय, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि और रोचि। तरुवर का होता है वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, बिपट, रुख, पादप। तलवार का होता है असि, कृपाण, करवाल, खड़ग, चंद्रहास। तालाब का होता है सरोवर, जलाशय, सर, पुष्पकर, पोखरा, जलवान, सरसी और तड़ाग। तीर का होता है सर, बाण, विशिख, सिलिमुख, अनि और सायक। इसके अलावा थोड़ा का होता है अल्प, न्यून, जरा, कम। थंब का होता है खंबा, खंब और स्तंभ। देखिए यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने लायक नहीं है, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं केवल उनको कवर करने की जो कई बार पूछे गए हैं, ताकि आप कम समय में इस चैप्टर को कवर कर पाएं। अगला है दास का, सेवक, नौकर, चाकर, परिचारक, अनुचर, वृत्त, किंकर। दरिद्र का निर्धन, गरीब, रंक, कंगाल और दीन। दीन का होता है, देखिए जब दीन गरीब वाला होगा तो इसमें बड़ी का मात्रा होगा, और जब दीन डे वाला होगा, दिवस वाला होगा, तो छोटी का मात्रा होगा। ये आपको हिंदी में ध्यान रखना होगा। दिन का होता है दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण, प्रमाण, वासर, अहम। दिन का होता है गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, निर्धन और कंगाल। इसके आगे दूध का होता है दुग्ध, क्षीर, पय, गौरस, स्तन्य। दांत का होता है दसन, रदन, रद, द्विज, दंत, मुख, खुर। दर्पण का होता है सीसा, आरसी, आईना और मुकुर। दुर्गा का होता है चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी और चामुंडा। देखिए इसको याद करने का एक ही तरीका है कि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद एप्लीकेशन ओपन करिए और उसको कम समय में 2 से 3 बार पढ़ जाइए। अगर आप 1-2 दिन तक इसी तरह करेंगे तो आपको अधिकतर शब्द याद हो जाएंगे। देवता का होता है सुर, देव, अमर, वशु, आदित्य, लेख, अजर, विभूत। देह का काया, तन, शरीर, बपु, गात। धरती का धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नौती, रत्नगर्भा। धनुष का चाप, सरासन, कमान, कोडंड और धनु। ये होता है धनुष का। नदी का देख लेंगे, नदी का भी बहुत बार पूछा गया है। नदी का होता है सरिता, तरणी, सरी, सारंग, जयमाला, तरंगड़ी, दरिया, निर्झरी। पवन का भी बहुत बार पूछा गया, पवन का वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल। देखिए अनिल मतलब हवा और अनल मतलब कि आग, तो ये आप कंफ्यूज मत होइए। पवमान, समीरण और स्पर्शन। अगला है पहाड़ का होता है पर्वत। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ एक्सरसाइज भी मिलेगा, इसलिए जरूरी है कि वीडियो में बने रहे। पहाड़ का होता है पर्वत, गिरी, अचल, शैल, धड़ीधर, धराधर, नग, भूधर और महीधर। पक्षी का होता है खेचर, द्विज, पतंग, पंखी, खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, बिहंग और नभचर। पत्नी का स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश और आर्यपुत। ये पति का होता है। पत्नी का यहीं पे लिखा गया है भार्या, वधु, वामा, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, गृहिणी, बहु, बनिता, दारा, जोरू, वामिंगिनी। ये होता है किसका? पत्नी का। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है पुत्र का, तो पुत्र का भी देख लीजिए। पुत्र का होता है बेटा, आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय और नंदन। पुत्री का यहाँ पे लिखा गया है बेटी, आत्मजा, तनुजा, सुता और तनय। पुष्प का होता है फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी,
प्रसून और पहुप। फूल का होता है पुष्प सुमन, ये देखिए दोनों एक ही है, तो इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए दो जगह दिया गया है ये। बादल का होता है मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग, पयोद और पयोदर। आगे बढ़ते हैं तो यह है बालू। बालू का होता है रेत, बालुका, सैकत, बंदर का बानर, कपि, कपीस, हरि। बिजली का घनप्रिया, इंद्रवज, चंचला, सौदामिनी, ये बहुत बार पूछा गया है, चपला, दामिनी, ताड़ित और विद्युत। ब्रह्मा का विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, चतुरानन, विरंच, अज, करतार, कमलासन, नाभिंजम और हिरण्यगर्भ, ये होता है ब्रह्मा का, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। अगला है ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का होता है द्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, भूमिसूर और भूमिदेव। भाई का होता है तात, अनुज, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा, भ्राता और भ्रात। बौरा का होता है मधुप, मधुकर, द्विरेप, अली, षटपद, भृंग और भ्रमर। मोर का होता है केक, कलापी, नीलकंठ, नर्तक, प्रिय। आगे बढ़ते हैं तो यह है मृग। मृग का होता है हिरण, सारंग और कृष्णसार। इसके अलावा मछली का होता है मीन, मत्स्य, जल जीवन, सफरी और मकर। माता का होता है जननी, माँ, अम्बा, जयत्री, अम्बा। यम का होता है सूर्यपुत्र, जीवितेश, श्राद्धदेव, कृतांत, अंतक, धर्मराज, दंडधर, किनास और यमराज, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। यमुना का कालिंदी, ये कालिंदी का प्रयोग कई बार हुआ है हिंदी ग्रामर में, अगर आप अलंकार भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें तड़ी तनुजा मिलता है, भानुजा मिलता है, कालंदी के तीर तो कालंदी भी मिलता है। तो कालंदी, सूर्यसुता, रवितनया, तरणी तनुजा, तरणीजा, अर्कजा और भानुजा। युवती का होता है युवती, सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरणी, नव यौना। रमा का होता है इंदिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, कमला, पदा, पदासना, समुद्रजा, श्री भार्गवी और क्षीरदत्तनया। रात्रि का होता है रात, रात का हम देख रहे हैं रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी और यामा, विभावरी। तो ये हो गया रात का। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कुछ और, यह है राजा का। राजा का होता है नृप, नृपति, भूपति, नरपति, नृप, भूप, भोपाल, नरेश, महीपति, अवनीपति। रात्रि का होता है निशा, छया। देखिए रात्रि मतलब रात्रि एक ऐसा शब्द है जिससे कई सारे शब्द बनते हैं हिंदी व्याकरण में। रैन, रात, यामिनी, सरवरी, तमस्विनी, विभावरी। रामचंद्र का अवधेश सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, रावणरी, जानकी बल्लभ, कमलेंद्र, कौशल्यानंदन। तो अब हमने राम का देख लिया, आप देख लेते हैं रावण का। रावण का होता है दशानन, लंकेश, लंकापति और दशशीष, दशकंद, दैतेंद्र। राधिका का होता है राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृष भानुजा। इस शब्द का प्रयोग बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। लड़का का बालक, शिशु, सुत, किशोर और कुमार। उसी तरह लड़की का बालिका, कुमारी, सुता, किशोरी, बाला और कन्या। लक्ष्मी का होता है कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, पद्जा, सिंधुसुता, कमलासना। आगे बढ़ते हैं तो ये है लक्ष्मण। लक्ष्मण का लखन, शेषावतार, ये बहुत बार पूछा गया है। सौमित्र भी पूछा गया है, रामानुज, शेष, क्योंकि लक्ष्मण को शेषावतार माना जाता था, शेष का अवतार माना जाता था। वसन का होता है मतलब कपड़ा, तो अंबर, वस्त्र, परिधान, पट और चीर। बीस का जहर, हलाहल, गरल और कालकूट। वृक्ष का पेड़, पादप, विपट, तरु, गाछ, दरखास्त, साकी, विपट और द्रोम। विष्णु का होता है नारायण, दामोदर, पीताम्बर और चक्रपाणी। आगे बढ़ते हैं तो यह है विद्युत। विद्युत का होता है चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बिजुरी, घनबल्लभी, छड़प्रभा और करका। इसको पढ़िएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। शिव का होता है भोलेनाथ, शंभु, त्रिलोचन,
महादेव, नीलकंठ और शंकर। शरीर का होता है देह, तनु, काया, कलेवर, अंग और गात। शत्रु का होता है रिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, अर्य, विपच्छी और अराति। एक बार और आपको बता दें कि इसको आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे पहले कमेंट पे मिलेगा, तो वहाँ जाकर आप इसको लाइन बाई लाइन पढ़ पाएंगे। इसको ही क्या, पूरा हिंदी ग्रामर, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके सब पढ़ सकते हैं। शेर का होता है केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, श्रादुल, हरि और मृगराज। शेषनाग का होता है अरि, नाग, भुजंग, ब्याल, उरंग, फन्नक, फड़ीस, सारंग। षडानन का होता है षटमुख, कार्तिकीय, षडमातुर। सीता का वैदेही, जानकी, भूमिजा, जनकतनया, जनकनंदनी, रामप्रिया। सांप का होता है अहि, भुजंग, ब्याल, सर्प, नाग, विषधर, उरंग और पवनासन। सूर्य का होता है रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिनेश। ये सूर्य का बहुत बार पूछा गया है, सूर्य का, पवन का, मिट्टी, घर का, ये सारे कई बार पूछे गए हैं। भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, अर्क, तड़ी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाले और मार्तंड्य। सोना का स्वर्ण, कंचन, कनक, हेमो, कुंदन। सिंह का केसरी, शेर, महावीर, हरि, मृगपति, वनराज, श्रादुल, नाहर, शारंग और मृगराज। आगे बढ़ते हैं तो ये आखिरी पेज होगा, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज। तो ये है समुद्र, समुद्र का होता है सागर, पयोदी, उदधि, पावावर, नदीस, जलधि, सिंधु, रत्नाकर और वारिधि। समूह का होता है दल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मंडली, वृंद, गण, पुंज, संघ, समुच्चय। सुंदर का होता है कलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चित्कर्षक, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य। स्त्री का होता है सुंदरी, कांता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी और रमणी। स्वर का होता है सूरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, दौ, परमधाम, त्रिदेव और दत्तलोक। सरस्वती का होता है गिरा, शारदा, भारती, वीणापाड़ी, विमला, वागीस और वागेश्वरी। हस्त का होता है हाथ, कर, पाड़ी, बाहु और भुजा। हिमालय का होता है हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नागेश। हिरण का होता है सुरवि, कुरग, मृग, सारंग, हिरण। हनुमान का होता है पवनसुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुतनय, अंजनी पुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंग बली, मारुत। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से भी। हाथी का होता है नाग, हस्ती, राज, कुंजर, कुंभा, मतंग, वारण, गज, द्वीप, करी और मदगल। देखिए ये था एक चैप्टर जिसमें हमने उन शब्दों को कवर करने की कोशिश की जो कई बार आपके परीक्षा में रिपीट हुए हैं। अब देख लेते हैं कि आपने कितना पढ़ा अभी तक, और यहाँ पे एक्सरसाइज है, एक क्वेश्चन है, चार विकल्प, कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन है जो कि पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यह है अम्बो, इसका मतलब पानी होता है। सर मतलब कि पानी नहीं, ये तालाब का है। और मेघ, पुष्प और नीर, यानी कि आपका सही उत्तर होगा बी वाला, सर, ये पानी का नहीं है, ये तालाब का है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? घर का। सदन, शाला और निकेतन। आप तुरंत अपना उत्तर 2 सेकंड में कमेंट करके बता दिया करिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में तो कमेंट कर सकते हैं ना। तो ये तीनों घर का होता है, जो पावक है ये आग का होता है। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इच्छा का बताइए। देखिए इच्छा मतलब होता है जिसको हम चाहते हैं, तो लिप्सा, कामना, ये दोनों इच्छा का है। यातना मतलब होता है किसी को कष्ट देना, तो ये जो यातना है ये इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? आग का। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपको चारों का उत्तर पता हो,
अगर आपको तीन का भी पता होगा तब भी आप बता पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि वाय सखा का मतलब आग होता है, हुताशुन का मतलब आग होता है और विभावशु का मतलब भी आग होता है, यानी कि ये तीनों तो आपके उत्तर होंगे नहीं, आपका जो उत्तर होगा ये होगा चौथा। अगला है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन है इनमें से। आकाश का होता है व्योम, आकाश का क्या होता है व्योम। दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है, भिन्न अर्थ वाला। देखिए आत्मजा नंदिनी ये बेटी को बोला जाता है, पुत्र को बोला जाता है, लेकिन भार्या पत्नी को बोला जाता है। तो आत्मा आत्मजा नंदिनी और कन्या ये तीनों पुत्री का है, भार्या पत्नी का है। निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है, किरण का। देखिए किरण का पर्यायवाची अंशु होता है, रश्मि होता है और मयूक होता है, प्रकाश किरण का पर्यायवाची नहीं है, बशर्ते प्रकाश में ही किरण होती है, पर्यायवाची उसका नहीं है वो। समानार्थी शब्द बताइए नियति का, नियति। देखिए दो चीजें होती हैं, एक बार यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि इन दोनों नियति का अर्थ बताइए, एक में छोटी ही का मात्रा है और एक में बड़ी ही का मात्रा है। कई लोग कंफ्यूज हुए और ढेर सारे लोगों का उत्तर गलत भी हुआ। देखिए जब छोटी ई का मात्रा होगा इसका मतलब होगा भाग्य, जब बड़ी ई का मतलब मात्रा होगा इसका मतलब होगा इरादा। जैसे नहीं कहा जाता है कि आपकी क्या नियति है, मतलब आपका क्या इरादा है, तो जब बड़ी मात्रा होगा बड़ी ई का तो इरादा, जब छोटी का मात्रा होगा तो भाग्य। हिंदी ग्रामर है, इसमें छोटे छोटे कई चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। अगला है कि अलंकेश का पर्यायवाची शब्द बताइए। अलंकेश मतलब वो होता है कि जिसके पास धन का भंडार हो, यानी कि कुबेर, कुबेर होगा। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब तीन ऐसे हैं जो कि असुर के होंगे, तो धनुष दानव और दत्त ये तीनों असुर के होते हैं। यक्ष एक तरह के भगवान माने जाते हैं, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा यक्ष होगा। यहाँ पे बताना था कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला है कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का। जलद मतलब बादल होता है, नीरद मतलब बादल होता है और मेघ मतलब बादल होता है, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा वारिधि होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए, जहाँ जाकर आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, इसका टेस्ट दे सकते हैं और जो बुक में आप पढ़ते हैं वैसे भी इसे पढ़ पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।